हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी साक्षात्कार के लेक्चर सीरीज 2 में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज के लेक्चर सीरीज का टॉपिक है मिथ्स अबाउट बीपीएससी इंटरव्यू। इसमें साक्षात्कार को लेकर तरह तरह की जो भ्रांतियां हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। साक्षात्कार को लेकर जो सबसे पहला मिथ, सबसे पहली भ्रांति है, वो मीडियम को लेकर है, माध्यम को लेकर है कि साक्षात्कार में अगर इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश में साक्षात्कार दिया जाए तो ज्यादा नंबर मिलते हैं, हिंदी में साक्षात्कार दिया जाए तो कम नंबर मिलते हैं। इस तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं। साथियों, ऐसा कोई भी आधार नहीं है जो ये सिद्ध करता है कि साक्षात्कार में इंग्लिश में साक्षात्कार देने वालों को ज्यादा नंबर मिलता है, हिंदी में साक्षात्कार देने वालों को कम मिलता है। साक्षात्कार के दौरान जो 4 या 5 मेंबर होते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि उनमें से कोई मेंबर जो है वो इंग्लिश में ही सवाल करते हैं आप, या फिर कोई मेंबर जो है वो हिंदी में ही सवाल करते हैं, भले ही जो कैंडिडेट हो वो इंग्लिश मीडियम में दे रहा हो इंटरव्यू या हिंदी में दे रहा हो। तो अगर आपसे सवाल हिंदी में ही पूछा जाए और आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप अपना जवाब इंग्लिश में दे सकते हैं। अगर आपसे सवाल इंग्लिश में ही पूछ दिया गया, अगर आप प्रश्न को समझ रहे हैं, आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो आप अपना जवाब हिंदी में ही उत्तर दीजिए। बीपीएससी में ऐसा कोई भी नहीं, या किसी भी संस्था में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बीपीएससी साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये मिथ कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ये गलत है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मिथ्स, दूसरी भ्रामक बातें, दूसरी भ्रांतियां जो साक्षात्कार को लेकर मौजूद हैं। वो ये हैं कि अक्सर साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों से सुनने को मिलता है कि वो पर्टिकुलर बोर्ड नंबर ज्यादा दे रहा है, इस बोर्ड में नंबर कम मिल रहा है, जबकि इसका कोई बेस नहीं है। सिर्फ ये कह देने से कि उस बोर्ड में ज्यादा मिल रहा है या इस बोर्ड में कम मिल रहा है, कोई आधार नहीं बनता है। बीपीएससी साक्षात्कार की प्रक्रिया इतनी पारदर्शी है कि बोर्ड के मेंबर्स को पता तक नहीं होता है कि साक्षात्कार देने के लिए कौन आ रहा है, उसका डिटेल उनके पास नहीं होता है। ऐसे में संभवतः हो सकता है किसी बोर्ड में उस पर्टिकुलर डे में किसी स्टूडेंट्स को ऐसा महसूस हुआ हो और वो ये बात जनरलाइज कर रहा हो कि इस बोर्ड में कम मिल रहा हो या ज्यादा मिल रहा हो, जबकि ऐसा नहीं है। हर बार जब रिजल्ट आता है तो आप अलग अलग लोगों के नंबर इंटरव्यू के दौरान अगर आप पूछेंगे या तो आपको पता चलेगा किसी को इस बोर्ड में ज्यादा मिले, किसी को उस बोर्ड में कम मिले हैं किसी को, तो ये आप कैसा इंटरव्यू देते हैं इस पे डिपेंड करता है, ना कि बोर्ड पर डिपेंड करता है। इसलिए ये भी कहना कि ये पर्टिकुलर बोर्ड ज्यादा नंबर देता है, ये गलत साबित होता है। अब हम तीसरे मिथ की तरफ बढ़ते हैं। ये कई बार सुनने को मिला है कि अरे यार, तुम्हारा इंटरव्यू मॉर्निंग सेशन में है तब तो ठीक है, मेरा आफ्टरनून सेशन में है, भाई रीजन क्या है? तो लोगों का कहना होता है कि मॉर्निंग सेशन में क्या होता है कि बोर्ड काफी ऊर्जावान होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, काफी सवाल पूछते हैं और आपको जवाब देने के पर्याप्त अवसर देते हैं, इसलिए नंबर अच्छा लाने का काफी चांसेस होता है। आफ्टरनून सेशन में क्या होता है, बोर्ड थक जाते हैं इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं देते हैं जवाब देने के लिए, बहुत जल्दी में होते हैं, नतीजा ये होता है कि तुम अच्छा इंटरव्यू दो या कैसा भी दो, तुम्हारा मार्क्स एवरेज रह जाता है। ऐसा कोई भी इसका भी बेस नहीं जिसमें ये कहा जा सकता है कि एवरेज निकाल करके इस हमें इंटरव्यू के नून सेशन में मार्क्स कम मिले गए हैं या एवरेज मिले गए और मॉर्निंग सेशन में ज्यादा मिले गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात बताना चाहेंगे कि बीपीएससी की ने पिछले कुछ सालों में जितने भी परीक्षाएं ली हैं उसमें ये चीज निकल कर सामने आया है कि कम से कम डिले भले ही हो रहा हो रिजल्ट में, एग्जाम कंडक्ट कराने में, लेकिन रिजल्ट के बारे में इसकी ट्रांसपेरेंसी की काफी तारीफ हुई है। बीपीएससी एक ऐसा बोर्ड अभी भी मौजूद है जिससे आप आरटीआई के थ्रू साक्षात्कार में सारे सफल कैंडिडेट्स के भी मार्क्स मंगा सकते हैं मेंस के, और आप देख सकते हैं कि ये जो भी बातें मैं कह रहा हूं वो साबित होता है। तो इसलिए ये मिथ्स की मॉर्निंग सेशन बेटर होगा या नून सेशन बेटर होगा, नून सेशन में एवरेज मार्क्स मिलेगा, ये पूरी तरीके से गलत है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे मिथ की तरफ।
ये देखकर ही आपको लग रहा होगा स्क्रीन पे कि इस बात को लेकर अक्सर चर्चा में बोर्ड रहता है या कोई भी, अरे यार वहां क्या फायदा, वहां तो सीट सभी को पहले ही बिक चुकी है, सारे सीट्स फिक्स्ड हैं, किसको होना है, हम दो बार से इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि हम दो बार से अगर दे भी रहे हैं तो संभव है कि हमारे मेंस में मार्क्स कम रह रहे हों, इंटरव्यू में नहीं आ पा रहे, या इंटरव्यू में हमारे कम रह जा रहे हों। तो इसके लिए कि ये पूरे सीट्स पे जो 500-700 सीट की वैकेंसी आ रही है उस पर ये आरोप लगा देना बिल्कुल ही निराधार होता है। अगर कभी ऐसे कुछ केसेस या मामले प्रकाश में आते भी हैं तो उससे हमारा अपना डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। याद रखें साथियों, हमें अपने सिलेक्शन के लिए एक सीट चाहिए और हमारा अपना पूरा फोकस इन बातों पे नहीं बल्कि साक्षात्कार में कैसे अधिकतम अंक प्राप्त कर हम सेलेक्ट हों इस पे होना चाहिए। इसलिए ये चौथी भ्रांतियां कि सारे सीट्स बिके होते हैं, सीट्स बिके होते हैं, ये भी गलत। अब हम बढ़ते हैं पांचवें मिथ की तरफ। इधर कुछ टाइम से रीजनलिज्म को लेकर भी कहा गया कि यूपी के स्टूडेंट्स को ज्यादा फेवर मिल रहा है, यूपी के स्टूडेंट ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं बिहार के नहीं, इसलिए बिहार में अब डिमांड भी हो रहा है। वो डिमांड एक अलग चीज है कि अदर स्टेट्स अगर अपने स्टेट के लोगों के लिए रिजर्वेशन कर रखते हैं तो बिहार को भी अपने सिटीज अपने बिहार के जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन रखना होगा। हम वो एक अलग डिमांड है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये कहना कि वोट किसी को किसी की जाति पे या किसी पर्टिकुलर वर्ग ग्रुप की वजह से इन बातों के लिए फेवर करता है, तो ऐसा ना तो कोई साक्ष्य उपलब्ध करा पाते हैं ना ही इसका कोई हम लोग को सबूत मिल सकता है या मिलता है जिससे हम ये कह सकते हैं। इसका आप देखिए कि बीपीएससी की परीक्षाओं में सभी वर्ग के, सभी कास्ट के, सभी रिलीजन के और सभी जगह के लोग सेलेक्ट होते हैं, इसलिए ये भी जो भ्रांतियां हैं ये बिल्कुल गलत है। एक बात जो हम लोग सिक्स मिथ पे लेके आए हैं वो ये कि बीपीएससी में कॉमर्स के, साइंस के, आर्ट्स के, सभी फील्ड के बच्चे वैकल्पिक विषय लेकर इसमें बैठते हैं और मेंस में ये बात कही जाती है कि साइंस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, आर्ट्स के विषय में उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पूरी तरीके से बात साक्षात्कार की कर रहे हैं, तो साक्षात्कार में आपके साइंस बैकग्राउंड होने का या आपका वैकल्पिक विषय साइंस का हो या आपका आर्ट्स का हो, ह्यूमैनिटीज का हो, इस ये मायने नहीं रखता है। मायने सिर्फ ये रखता है कि आपके जो वैकल्पिक विषय हैं या आपके स्नातक में जो विषय थे उस विषय पर आपका पकड़ कितना मजबूत है, आपका विषय ज्ञान कितना बेहतर है और साक्षात्कार में पूछे गए उन विषयों पे, उन चीजों, उन सवालों के आप सही से जवाब दे पा रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ये कहना कि साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट को एक लीड है ये भी पूरी तरह से निराधार है। और सबसे आखिरी में साथियों हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब लोग कहीं ना कहीं लक को मानते हैं और ये इन जनरल कहा जाता है कि सब लक का खेल है, वो दिन अगर तुम्हारा अच्छा रहेगा तो तुम उस दिन सेलेक्ट हो गए, नहीं होगा तो नहीं हो पाओगे। ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये संघर्ष कोई एक दिन का नहीं था। बीपीएससी में साक्षात्कार तक पहुंचने में आपके लंबे समय का संघर्ष था, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी, फिर मेंस की तैयारी, मेंस के इतने पेपर्स, उसके बाद उसमें से मार्क्स स्कोर करना। साक्षात्कार उन तीन स्टेज का सिर्फ एक स्टेज है और कुल मार्क्स का एक छोटा सा हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा मुख्य परीक्षा के अंकों पर निर्भर करता है। तो इसीलिए ये कहना कि इंटरव्यू सिर्फ लग का है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम साक्षात्कार की तैयारी पूरे सिलसिलेवार ढंग से करते हैं, अच्छे से करते हैं, इंटरव्यू के पहले हम कुछ मॉक प्रैक्टिसेस करते हैं, जो कमियां हमको दिखती है उनको दूर करने का प्रयास करते हैं और इंटरव्यू के जो बेसिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करते हैं, तो वो लग उस दिन हमारा ही रहेगा और वो हमेशा गुड लक ही होगा।
फ्रेंड्स याद रखिए, ये कहा भी जाता है कि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। साक्षात्कार में अपनी मदद खुद आप साक्षात्कार की पूरी अच्छे तरीके से सिलसिलेवार ढंग से तैयारी करके ही कर सकते हैं, जहां पे आप अपने विषय से लेकर अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने कम्युनिकेशन स्किल, हर चीज को बेहतर ढंग से तैयार करें और इंटरव्यू के दौरान उसको उसी ढंग से प्रस्तुत कर सकें। इसके अलावा भी कई भ्रांतियां हैं, जैसे लोग कहते हैं कि अगर वो पहली बार इंटरव्यू दे रहा है या उसका पहला अटेम्प्ट है तो उसको बहुत बोर्डी गलतियां या मिस्टेक्स इग्नोर करता है। अगर आप 3-4 बार या आप सीनियर कैंडिडेट्स हैं तो आपको उतना बेटर वो लीड नहीं मिलता है, इस तरह का कोई आधार नहीं है। सिलेक्शन लिस्ट में आप देख सकते हैं एक पूरी तरह से हेट्रोजेनस लिस्ट होती है। कई बैच में, पिछले बैच में भी हम देखे अपने स्टूडेंट्स को, उसके पहले बैच में हमारे मित्र लोग भी जो थे, हर बैकग्राउंड के, हर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाले सीनियर्स जूनियर्स सब लोगों का सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन का कहीं ना कहीं वजह लगता था कि हाँ उनके मार्क्स अच्छे थे, कोई मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, साक्षात्कार में बहुत अच्छा परफॉर्म किया ओवरऑल मेरिट में, और तब वो सेलेक्ट हुए। इसलिए आप लोग सबसे आग्रह है कि बिल्कुल इन भ्रांतियों में ना रहें। एक दो अगर कोई इंसिडेंट लेकर आता है वो भी बिना बेस का, मैं आपको बताता हूँ कि वो भी कहीं सुनी बातों पे कहते हैं कि मैंने ऐसे सुना है, मेरे करीबी ने बताया है, जिसके साथ हुआ है वो आपको कभी सामने आकर नहीं कहेगा क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कोई आधार या साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये हमें और डिमोटिवेट करेगा हमारे तैयारियों के प्रति। इसलिए इन मिथ्स पे, इन भ्रांतियों से दूर रहें मित्र, अपने 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 तरीके से, जैसे आपने तैयारी करते हुए मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल करे, आप साक्षात्कार में पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पर भी आपको अपने लक के भरोसे नहीं, अपने मेहनत से अपना लक आपको खुद बनाना होगा। इसलिए ये मिथ्स भी कि इंटरव्यू सिर्फ लक का खेल है, पूरी तरीके से गलत साबित होता है। तो ये थे बीपीएससी साक्षात्कार में मौजूद डिफरेंट टाइप्स की जो भ्रांतियां थी, भ्रामक थी, उस पर हम लोगों ने एक चर्चा किया। अगर आपको बीपीएससी इंटरव्यू से रिलेटेड कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं eco.vikas@gmail.com पर। और बीपीएससी लेक्चर सीरीज में के और सीरीज आप तक पहुंचे, आप सुनना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल है youtube.com/acharyavikas, आप इस पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर सीरीज में।